आजही 24 तास एक पाऊल पुढे. कठोर परिश्रमाचं फळ हे मिळतंच. मुंबईच्या अंडर 16 विजय मिरचंद ट्रॉफी विजेत्या टीमच्या आदीप उस्मानीला प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्याने मिळवलेलं यश हेच सिद्ध करतंय. आई वडिलांपासून हजारो किलोमीटर दूर टेंटमध्ये राहून आदीपनं क्रिकेटमध्ये मिळवलेलं यश सर्वांनाच थक्क करणार आहे. मुंबईला विजय मर्चंट ट्रॉफी जिंकून देण्यात आदीपनं मोलाची भूमिका पार पाडली आहे. मुंबई स्वप्नांचं शहर. देशभरातून अनेक जण इथे आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी येतात. आदीप उस्मानी यापैकीच एक. आदीप बालपणीच क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न घेऊन आई वडिलांसह मुंबईत आला. आदीपनंही बालपणीच क्रिकेटपटू होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगलं होतं. क्रिकेटर होण्याच्या ध्येयानं झपाटलेला आदीप मात्र मुंबईतच थांबला. मात्र आदीपच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. अखेर कोच नौशाद यांनी आदीपच्या राहण्याची व्यवस्था केली. आझाद मैदानावरच आदीप झोपडी बाजार टेंट मध्ये राहून मैदानावर सराव करू लागला. अभी तो फिलहाल मैं ग्राउंड पे ही रहता हूँ, टेंट के अंदर ही रहता हूँ और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके प्रैक्टिस करता हूँ. और मम्मी डैडी अभी फिलहाल तो गांव में है, क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम था और धंधे में थोड़ा मतलब बिजनेस में थोड़ा डैडी का लॉस हो गया. डैडी की थोड़ा तबीयत खराब रहती है, इसके लिए उन लोग गाँव में रहते हैं. और 2 साल पहले सर के यहाँ मेरे को छोड़ के चले गए. सर को मेरा गाइडेंस बना दिए. 3-4 दिन ग्राउंड पे रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा करके प्रैक्टिस करता हूँ और जितना हो सके प्रैक्टिस करूँ. आदीप जो है वो मतलब 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई उनके पेरेंट्स से, तो उन्होंने बस कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, बिजनेस में भी लॉस हो गया, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो हम जा रहे हैं. लेकिन ये नहीं आना चाहता क्योंकि क्रिकेट का बहुत शौक है, अंजुमन में पढ़ता भी था ना ये, तो इस हिसाब से इसने सोचा कि मतलब मैं यहाँ क्रिकेट खेलूँगा तो अब कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए था. मुझे भी अच्छा लगा, मैं बोला इस पर मेहनत करूँगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकता है, ये टैलेंट है उसके अंदर. तो उसके पेरेंट्स ने मेरे हवाले करके चल गए. तो अब यहाँ पर मैंने उससे कहा भी घर पे रहो, तो कहता सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने मिलेगी. तो हफ्ते में 4-5 दिन यहीं पे रहता है ग्राउंड के ऊपर. आझाद मैदानावर टेंट मध्ये राहून आदीप आपले क्रिकेटचे धडे गिरवू लागला आणि अखेर त्याच्या प्रयत्नांनाही यश आलं. आई वडिलांपासून दूर आझाद मैदानावर क्रिकेटच्या टेंट मध्ये राहणाऱ्या आदीपने क्रिकेटमध्ये केलेली ही प्रगती सर्वांनाच थक्क करणारी. केवळ कठोर परिश्रम, ध्येय आणि क्रिकेट वेड यामुळेच आदीप प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करू शकला. आदीपनं मुंबईच्या अंडर 16 टीम मध्ये स्थान पटकावलं. मुंबईला विजय मर्चंट ट्रॉफी जिंकून देण्यात त्यानं मोलाची भूमिका पार पाडली आहे. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुंबई जीती और मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा. मुंबई जीती और मेरा आइडल धोनी है, विकेट कीपिंग अच्छी करता है, उसके पास माइंड अच्छा है, उनके पास माइंड अच्छा है महेंद्र सिंह धोनी के पास, तो वही मेरा आइडल है उनके जैसा मुझे मन में. कोच नौशाद यांनी केलेली मदत आणि क्रिकेटसाठी घेतलेले कष्ट यामुळेच आदीप क्रिकेटमध्ये आपली गुणवत्ता सिद्ध करू शकला. त्याची ही कहाणी आता प्रत्येक युवा खेळाडूसाठी प्रेरणा देणारी ठरतेय. Z24 तास साठी अमर काणे सह ब्युरो रिपोर्ट मुंबई. Z24 तास एक पाऊल पुढे.